नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है और उसको आप जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये दो नंबर हैं 8564880530 9696066089, लेकिन वीडियो सारे फ्री रहेंगे। इसी क्रम में ये वाला जो है ये टेस्ट नंबर 3 था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 था, जिसमें 31 टेस्ट मिलने हैं। ठीक है, 17 फरवरी को हुआ था ये पेड ग्रुप में, अभी उस टाइम टाइम नहीं मिल पाया था, आज मैं इसको ये अपलोड कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आने जा रहे हैं बाइलिंगुअल में। आपको इसमें जो है अटेम्प्ट करिए इसको और बताइएगा जरूर 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर सही बात 2020 की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर अटेम्प्ट जरूर करिए। इसका एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, भारत का 27वां रामसर स्थल कहाँ पर है। रामसर जो वेटलैंड होते हैं, अभी तक 26 थे, फिर एक 27वां घोषित किया गया, फिर 10 और घोषित किए गए हैं, तो वो उसमें से 27वां कौन सा है, 27वां कौन सा है ये किसको किया गया है, ये सुंदरबन है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। 30 जनवरी 2019 को ये डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो 27वां यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बाकी मैंने टेस्ट सीरीज वाले पीडीएफ में दिया, इसी पीडीएफ में लास्ट में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अच्छा ये बताइए कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर जो है रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है। फिर दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ये ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका बीच से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक प्रोग्राम चालू किया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इसमें जो इंडिया में कुछ बीच को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इसमें एक चंद्रभागा बीच है जो कि उड़ीसा के कोणार्क कोस्ट में है, वो पहला ऐसा बना है बीच जिसको कि यहाँ पे मतलब पहला एशिया में ऐसा बना है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तहत जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, ये जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है इसको कौन चलाता है, इसको ये इंटरनेशनल, ये नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FEE, यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एडुकेशन। ठीक, तो ये है इसका पूरा, और इसका जो है कहाँ पे किया गया, ये किससे रिलेटेड है, ये बीच से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन है सक्षम 2020, ये जो है फ्यूल कंजर्वेशन के लिए एक अभियान चलाया गया था, किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का बी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने किया था। ठीक है, एक जो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है भारत का, उसके तहत एक संस्था है PRCA। ठीक है, PRCA यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये सक्षम 2020। इसमें यहाँ पे क्या फोकस किया जा रहा है कि कैसे काफ़ी सारे एफर्ट डाल के फ्यूल सेविंग की तरफ जो है ईंधन संरक्षण के उपायों पे जो है जोर दिया जाए, और उसी को प्रमोट करने के लिए फ्यूल कैसे कंजर्व किया जा सके, उसी के लिए चलाया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में किस देश ने कोरल रीफ को जो है ये सुरक्षा करने के लिए सनस्क्रीन पे बैन लगा दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का ए, पलाऊ देश है। पलाऊ जो है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक जो ओशियन है उसमें लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है, और यहाँ पे कोरल रीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक सनस्क्रीन पर ये प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, उसमें और भी कई सारे आदेश यहाँ पे पारित किए हैं, 10 ऐसे तत्व हैं जो कि कोरल रीफ के लिए हानिकारक हैं, उन सबको जो है यहाँ पे बैन किया गया है पलाऊ ने। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ये ऑक्सीबेंजोन है, इथाइल पैराबोन है, ऑक्सीटेक्सिन, ये ऑक्सेट है, ये पूरा आप जो है ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ब्यूटिल पैराबीन है, ऑक्टोक्राइलिन है, ठीक है, मेथिल बेंजल्डिहाइड है, मेथिन बेंजल्डीन है, ये ट्राइक्लोसन है, बेंजिल पैराबीन है, ये सारी जो है डिटेल्ड आप देख सकते हैं ये। लेकिन बस इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या था, ये ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली PCS में बहुत पूछते हैं ये लोग। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको बताने हैं करेक्ट वाला कौन सा है, सही कथन आपको चुनना है फिफ्थ में से। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। 11 दिसंबर को हर बार मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। इस दिवस को 2003 में चालू किया गया था एक रिजोल्यूशन पास करके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको स्टार्ट किया था। इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। ठीक है, ये है इसकी थीम, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए।
सिक्स क्वेश्चन का है, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल आंसर लगेगा, आपको लगेगा ये इसमें क्या पूछ रहा है। पहली बात तो ये है कि कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है, लेकिन स्टेट का नाम नहीं दिया गया है। पहला लिखा है कि भारत के सबसे उत्तरी राज्य में, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सोयाबीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स का सी। सी क्यों होगा? क्योंकि ये जो है कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये एमपी में लोकेटेड है और एमपी ही भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य है। ठीक है, तो ये थोड़े से यहाँ पे घुमाता हूँ मैं क्वेश्चन की, ताकि कुछ चीज़ें और रिवीजन हो जाएं। इसी के साथ देखिए, अब बताइए भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है इस समय? पक्का यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आपको, उत्तरी राज्य बताना है ये। ठीक है, और भारत का सबसे जो पूरी राज्य है ये भी आपको बताना है, ये कमेंट करके दोनों का बताना है, ये मैंने बता दिया एमपी। ठीक, सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों में से आपको करेक्ट वाला बताना है। तीन स्टेटमेंट दिए हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन्थ का ए, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला इसलिए है क्योंकि हर बार 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, यानी कि विश्व मृदा दिवस। इस डे को कौन सेलिब्रेट करता है? FNAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इस बार की थीम क्या थी? स्टॉप सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, यानी कि मृदा प्रदूषण रोको। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेवन का ए है। आप 100 में से कितने आपके आए हैं सही सही बताइएगा जरूर ईमानदारी से। मुझे नहीं लगता है किसी के अगर 80 से ज़्यादा आ रहे होंगे, जो ज़्यादातर जो स्कोर रहता है 40 के आसपास रहता है। 40 अगर आ रहे हैं तो मतलब ठीक चल रहा है आपका, ये करंट अफेयर, ये सॉरी इन्वायरमेंट का टेस्ट है ये, टोटल मिला के करंट स्टैटिक सब मिला के। फिर ये एट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे तीन चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, वही हिंदी में लिखा हुआ है वही इंग्लिश में, इसमें से आपको बताना है करेक्ट वाला। और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एट वाले का ए हो जाएगा। 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा वाला गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है कि जो 14th मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, UNCCD COP14, ये कहाँ पे? दिल्ली में चालू हुई, बिल्कुल सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट था कि इंडिया ने इस बार प्रेसिडेंसी ली है इसकी चाइना से, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ये एक लीगली, मतलब इकलौती लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से जोड़ती है। ठीक है, ये है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चौथा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट्स एंड डिजर्टिफिकेशन 2016 नहीं था, 2006 था। ठीक है, तो इसीलिए ए हो जाएगा इसका आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें से कौन कौन से थ्रेट है शोला ग्रासलैंड को? पहली बात तो ये कि शोला ग्रासलैंड पाए कहाँ पे जाते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी बार। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको बताना है शोला घास के मैदानों के लिए क्या क्या खतरा है इनमें से, ये जो चार आपको ये दिए हुए हैं इनमें से। और नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा क्योंकि कृषि का विस्तार से भी जो है यहाँ पे खतरा है, टूरिज्म अगर जाएगा तो वैसे भी इकोलॉजिकली खतरा ही होता है वो, इन्वेसिव स्पेसी जो होते हैं ये अगर उनका स्प्रेड ज़्यादा हो जाए तो भी जो वहाँ की नेटिव या एंडेमिक स्पीसीज होती हैं उनके लिए खतरा होता है, इसीलिए जो है टोटल पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा हो जाता है। एक्सपेंडिंग ट्रीज ये थोड़ी ना खतरा है, कोई वृक्षों के विस्तार से कोई खतरा नहीं है, ये तीन है खतरे, नाइन्थ का हो जाएगा ए। टेंथ क्वेश्चन बताना है कि सबटल बर्निंग के बारे में आपने सुना होगा, हर बार जो है किसान पराली जलाने लगते हैं उसकी वजह से दिल्ली NCR में और प्लस जो है वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा एकदम धुंध छा जाती है, ये क्यों करते हैं ऐसा? वाई फार्मर्स ऑट फॉर सबटल बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इसको पराली जलाते हैं, तो किसान जो होते हैं पराली जलाने का विकल्प क्यों चुनते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंथ का डी। ये चारों ही, ये तीनों ही रीज़न है इसीलिए करते हैं ये, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है कि उसको कैसे यूज़ करें। दूसरी बात है कि उनके पास ऐसा कोई जो उनके वेस्ट बच जाता है वो कैसे करें, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसे की वजह से कॉस्ट भी जो है एक मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे इनकी इतनी ज़्यादा किसानों की आय नहीं है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए वो सीधा समझते हैं कि जला दो तो ही बढ़िया है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। ये बहुत ही जो है छाट के लाया गया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों की क्वालिटी देख के जरूर बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। वैसे लगातार हमारी टीम इम्प्रूवमेंट करती रहती है, फिर भी आपका फीडबैक इसमें अच्छा रहेगा। ये 11th क्वेश्चन में आपको राज्य पहचानना है, ये यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस राज्य के, आपको बताना है कौन सा राज्य है ये। पहली बात तो ये कि इसके नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इस राज्य में है,
और दूसरी बात है ये जो आपकी लेटेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई 2019 उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया यहीं पे है, ऑब्वियस सी बात है मध्य प्रदेश ही है ये। अच्छा परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य में है ये जल्दी से बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है। और सब और दूसरी बात है कि ट्री वाला अगर आप देखेंगे तो ट्री वाले में सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है एब्सोल्यूट एरिया और परसेंटेज एरिया। नेक्स्ट है इसमें 12th क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट इनकरेक्ट देखिए चूज इनकरेक्ट है ये गलत चुनना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोनों में से आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इमिशन ट्रेडिंग स्कीम ये सूरत में लॉन्च करी गई थी गुजरात की सरकार के द्वारा, ठीक है, और बेसिकली इसका मेन एम क्या है कि पॉल्यूशन को जो है कम करना, ठीक, और प्लस जो जितनी भी कम जो इंडस्ट्री उसकी कंप्लायंस कॉस्ट को और ज़्यादा कम करना। ETS में करते क्या है, इसमें जो ट्रेडेड कमोडिटी होती है पार्टिकुलेट मैटर जो है इमिशन जो PM इमिशन होते हैं उन पे ट्रेडिंग होती है ये इसको बोला जा रहा है पूरी दुनिया की पहली ऐसी मार्केट जो कि पार्टिकुलेट मैटर इमिशन पे जो है ट्रेडिंग करा रही है, ठीक है। 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसलिए डी। अच्छा बताएंगे कि क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली इसमें, कोई इसमें एक्सप्लेन करेगा इसको। तो वैसे हम लोग जो करंट अफेयर की डिटेल्ड वाली सीरीज़ है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लीजिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला बाजार कहाँ पे है जहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में जो है व्यापार होता है, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। 13th क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, बी है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 14th क्वेश्चन में आपको तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और तीनों में से बताना है आपको करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 6th वाटर वीक जो 2019 का मनाया गया था कब से कब तक, 24 से 28 सितंबर 2019 तक। देखिए इसमें मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ वो पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, इंडिया वाटर वीक ये कौन सा था 6th वाला, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं PCS में ज़रूर पूछ सकते हैं। दूसरी बात इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनुएशन जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो वो भी बिल्कुल लिखा गया है। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वाटर कॉर्पोरेशन कोपिंग विद 21st सेंचुरी चैलेंजेस, ठीक है। तो यही तीन जो है फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे इस क्वेश्चन में मैंने ला दिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये गलत हो भी रहा है टेस्ट सीरीज अगर आपने हमारी ज्वाइन की है, कम से कम आगे के लिए देख लीजिएगा कि आगे ना गलत हो, और ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ा करिए जो करेक्ट हुआ करें, इन्हीं में से जो है इनडायरेक्टली सवाल निकाले जा सकते हैं। 14th का ए हो जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन बताना है इंडिया की जो अभी देखिए एक फॉरेस्ट प्लस 2.0 एक ये जो है ये रिपोर्ट अभी लॉन्च की गई है, इसको किसने किसने किया है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है अपनी और इसने किसके साथ मिलकर किया है यही तो आपको बताना है। 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये इसने किसके साथ किया है, USAID यानी कि US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी ए के साथ मिलकर किया है। 16th है मसूरी रिजोल्यूशन किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है, 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों लिए तीनों से ये रिलेटेड है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्लस जो है रिच हिमालया हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए, ठीक है, मसूरी संकल्प, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 7th क्वेश्चन ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है PCS के लिए, ध्यान रखिएगा कि किस फाइनेंस कमीशन ने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया था कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और 1000 करोड़ रुपए जो है दिए थे 5 साल के प्लान में ताकि फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सके, किस फाइनेंस कमीशन ने किया था ये। 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 12th फाइनेंस कमीशन ने किया था, लेटेस्ट करंट अफेयर से निकाला गया क्वेश्चन है ये। पश्मीना आपने बहुत बार सुना होगा, ये किसकी ब्रीड होती है, कई बार न्यूज़ में रहता है इसीलिए इसको पूछा है। 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोट बकरी, ठीक है, बकरा नहीं बकरी या बकरा जो भी है इसको पश्मीना भी बोलते हैं और चांगथांगी भी बोलते हैं, ठीक है, ये गोट है, ये गोट की स्पेशल ब्रीड होती है। नेक्स्ट है इसमें समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है ये, ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है एक HRD मिनिस्ट्री के अंडर में, उसमें उसके अंडर में ये किया गया है
और बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है कि कैसे वाटर कंजर्वेशन मेथड को प्रमोट किया जा सके, स्कूल स्टूडेंट को बताया जा सके, मतलब शुरू से ही बता दें उनको ताकि वो बड़े चल पे होके ये वाटर का लॉस ना करें और वाटर को कंजर्व करें। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पूरी दुनिया में, चाहे भले ही जो है 70% से ज़्यादा अर्थ में वाटर ही वाटर हो, लेकिन फ्रेश वाटर अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी है। ये एग्जैक्टली आपको जो क्वांटिटी है ये भी पता होनी चाहिए कितने परसेंट है, NCERT में लिखा हुआ बताइए कितने परसेंट है फ्रेश वाटर पूरी दुनिया का। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से जो है रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन के, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये चारों ही रीज़न है, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट एक्सप्लॉयटेशन और क्लाइमेट चेंज, चारों रीज़न है ये। नेक्स्ट है इसमें 21st, इसमें आपको ये बताना है कि पहली अभी पॉलिसी जो है ये बनाई गई है रिसोर्स प्रोडक्टिविटी के लिए भारत में, और इसको बोल रहे हैं स्ट्रेटजी ऑन रिसोर्स इफिशेंसी, इसको यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन के साथ मिलकर बनाया गया है इंडिया में, किसके साथ, इसके साथ और प्लस कौन है इसके साथ ये बताना है, नीति आयोग ने मिलकर बनाया है, नीति आयोग ने यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन के साथ मिलकर स्ट्रेटजी ऑन रिसोर्स इफिशियंसी के ऊपर एक जो है ये यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है, तो ये जरूर याद रखिएगा नीति आयोग ने बनाया है, ठीक है। 22, कौन सा देश, अगर आप देखेंगे 19 अगस्त 2019 को जो के डेटा के हिसाब से, कौन सा देश पूरी दुनिया में जो सल्फर ऑक्साइड, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि मानव जनित, तो मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, ए नंबर वन पे इंडिया है। अगर आप देखेंगे SO2 पॉल्यूटर्स की लिस्ट देखेंगे, नंबर वन पे यहाँ पे इंडिया है, नंबर टू पे रशिया है, नंबर थ्री पे चाइना है, फिर मेक्सिको है, फिर ईरान है, ये टॉप फाइव है। नेक्स्ट इसमें बताना है 23, ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कौन सा है, मतलब ये बताना है। ये थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप आराम से बता सकते हैं, इसका मैप देख सकते हैं आप, ये वाला है कौन सा, नामधापा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, आंसर क्वेश्चन में दिया है, तो ये है जो नामधापा टाइगर रिजर्व, ये ईस्टर्न मोस्ट है आपका टाइगर रिजर्व इंडिया का पूरे, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं, वेस्टर्न मोस्ट रामसर वेटलैंड साइट इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात में लोकेटेड है वेस्टर्न मोस्ट, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। आप जो है रामसर वेटलैंड का मैप देखेंगे, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसका फ्रेश वीडियो दूंगा क्योंकि अब 37 हो गए हैं रामसर लैंड, 7-8 मिनट का मैप मैं करके दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा, इन्वायरमेंट का पूरा मैं बना रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, तो ये आप मैप में मैंने आंसर की में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। 25 इसमें इनकरेक्ट बताना है, ये जो आपके कुछ नेशनल पार्क हैं उसके स्टेट से मैच यहाँ पे किया गया है, आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, बिल्कुल तीनों सही हैं। सुंदरबन में पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा असम में है, और केवलादेव राजस्थान में है। 26 कोल्ड रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक। 27 कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसको किसने पब्लिश किया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन तीनों में से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा नन। अब बताइए आप कौन है, किसने किया है ये वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है, किसने पब्लिश करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। इससे संबंधित एक और फैक्ट है कि वाटर मैनेजमेंट में अगर नॉन हिमालयन स्टेट की बात करें तो नंबर वन पे है गुजरात, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट की बात करें तो नंबर वन पे है हिमाचल प्रदेश, तो ये, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो नंबर वन पे है पुडुचेरी वाटर मैनेजमेंट में। 28 इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो कोई नहीं गलत कर सकता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये चारों ही स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं तीनों ही हैं इन्वायरमेंट, ये एक्चुअली इन्वायरमेंट की बेसिक डेफिनेशन है, ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, इसीलिए कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन भी डाले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 29 इसमें आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट बताना है, तीन स्टेटमेंट में से सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीनों ही बिल्कुल सही हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं 22 मई को, और इन्वायरमेंट जो है कंपोजिट स्टेट है बायोटिक और जो है फिजियोग्राफिक और एबायोटिक फैक्टर्स की, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको 1986 में एनेक्ट किया गया था, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये EPA, इसको जो है अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। नेक्स्ट इसमें 30 में बताना है आपको, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में से करेक्ट, इसका करेक्ट हो जाएगा सी, दोनों ही सही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है
कि आप जो है डेवलपमेंट करो, लेकिन आज की जनरेशन की नीड तो पूरी करो, लेकिन फ्यूचर में भी सब कुछ ख़त्म ना कर दो, सस्टेनेबल रहे सब चीज़ें, ये है इसका मतलब, कि आज की ज़रूरतें पूरी करो लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है इसमें 31 क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसमें बताया कि देखिए नीरी जो है यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा ये प्रिय है, ये वाला क्वेश्चन नीरी के बारे में बार बार पूछते हैं, उसी से रिलेटेड है ये। 31 का करेक्ट आंसर है बी। नीरी को कब बनाया गया था, 1958 में। नीरी मतलब हो गया नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर में है, ठीक। ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिएगा। फ्यूचर वी वॉन्ट, ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, ये रिपोर्ट रिलेटेड है Rio+20 से, ठीक है। पहले एक रियो वाला हुआ था, ठीक है, अर्थ समिट बोलते हैं, फिर Rio+10 हो गया, एक 10 साल बाद जो हो गया उसको Rio+10 बोल दिया गया, Rio+20 हो गया, वो 20 साल बाद हो गया उसको Rio+20 बोल दिया गया। ये देखिए क्वेश्चन, ये मुझे नहीं लगता है इसको कोई सही कर पाएगा, अगर कोई सही कर ले सही बात जेन्यूनली तो बताइएगा जरूर। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस की तरह ही बनाया कि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसको एग्जामिनर नहीं चाहता है कि सब लोग सही कर पाए, मतलब कोई भी ना सही कर पाए, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें आपको पहले इन तीनों के हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, फिर आपको उसको नॉर्थ से लेके साउथ तक अरेंज करना है। मुझे नहीं लगता कोई अपने आप इसको सही कर सकता है। खैर इससे ये पता चलता है कि UNEP का जो है हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है वैनकूवर कनाडा में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सक्षम अभियान किससे रिलेटेड है, अभी मैंने आपको बताया था, ये फिर से आ गया यहाँ पे, फ्यूल कंजर्वेशन से, तो डी है इसका आंसर। 35, इसमें आपको जो है तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन तीनों में से करेक्ट वाला बताना है, NGT से संबंधित हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 35 का करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। इसमें जो है ये NGT की डेफिनेशन है, NGT की आप वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ से लिया गया है ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट। 2010 को ये NGT बनाया गया था, ठीक है, NGT एक्ट के थ्रू बनाया गया था, यानी कि एक स्टेटूटरी बॉडी है NGT, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एक स्पेशलाइज बॉडी है जो कि इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट को जो है हैंडल करती है। एक चीज़ और है, ये जो इसका प्रोसीजर है वो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, ये जरूर याद रखिएगा, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से काम नहीं करता है, ये नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। 35 का इसलिए बी है। 36 पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट बताना है, मुझे लगता है कि शायद इसमें आपको ट्राई करना चाहिए, इसमें एक बार हाथ जरूर आजमाना चाहिए। आप लोग यूपी पीसीएस के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज ले लें, लेकिन मेरी टेस्ट सीरीज का वीडियो जरूर देख लिया करिए आप, भले ही हमारी टेस्ट सीरीज पेड वाला ग्रुप ज्वाइन ना करें, लेकिन कम से कम क्वेश्चन जरूर देखा करिए, पूरा दिमाग जो है इधर दिमाग का दही बन जाता है, कई बार मुझे बनाने में दिमाग का दही बन जाता है, आपको सॉल्व करने में और ज़्यादा दही बनेगा। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट, मतलब आपको जनसंख्या के हिसाब से इन चारों स्टेट में सबसे बड़ा बताना है, लेकिन ये स्टेट तो लिखे ही नहीं हुए हैं, तो स्टेट तो आपको पहचानने हैं। स्टेट विद लार्जेस्ट मैनग्रोव कवर 2019 के हिसाब से कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, तो मतलब इसमें 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं ये। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट विद सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है स्टेट विद लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये है आपका, वो भी परसेंटेज वाइज, वो है आपका मेघालय। और फिर है आपका स्टेट विद लार्जेस्ट ट्री कवर, ये कौन सा है आपका, महाराष्ट्र है। और फिर अगर इसमें से आप जो है निकालेंगे परसेंट, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो आपकी किस में आएगी, महाराष्ट्र में। डी है इसका आंसर। अब बताइए मज़ा आया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इसमें रियो डिक्लेरेशन में कितने प्रिंसिपल थे, ये यूपी पीसीएस की आदत है इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़े हैं, 27 प्रिंसिपल थे। डी है इसका आंसर। 38 किस साल को जो है डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट्स एंड डिजर्टिफिकेशन, ये आपको बताना है। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का डी, 2006, ठीक है, ये दो बार आ गया। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी अच्छे से मनाया जा रहा था। इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, चार चीज़ें लिखी हुई हैं, बताइए क्रोनोलॉजिकली करिए। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1324। प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, Rio+10 आया 2002 में, क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया कब, 11 दिसंबर 1997 में, और इंटर्ड इनटू फोर्स मतलब कि कब ये लागू हुआ, ये हुआ आपका 16 फरवरी 2005। अब आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है इसलिए देना मजबूरी है, क्या करें, उसी हिसाब से चलेंगे जैसे सिलेक्शन हो पाए। 40 में आपको करेक्ट आंसर बताना है, इन तीनों में से सही स्टेटमेंट बताने हैं। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, चारों स्टेटमेंट सही हैं।
एजेंडा 21 एक नॉट मतलब बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, इस बाइंडिंग नहीं है देशों पे। फिर एजेंडा 21 एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है जो कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लान बताता है। इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं जैसे पॉवर्टी हो गया, हेल्थ कंजम्पशन पैटर्न हो गया, नेचुरल रिसोर्स यूज़ हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, सब कुछ है ये। इसमें इवन एनर्जी, क्लाइमेट और बाकी सारे इश्यूज़ भी हैं जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कोरोना वायरस जिसको कि अभी जो है WHO ने नाम दिया था क्या, COVID-19, ये पहली बार सबसे जो है कहाँ पाया गया था, वुहान चाइना में। ये पहला फैक्ट है। देखिए क्वेश्चन में सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं जो पीसीएस में आ सकते हैं। अब आपको ये बताना है रिपोर्ट कब किया गया था, एग्जैक्टली डेट, क्योंकि पीसीएस में पूछ लेते हैं इसलिए करना जरूरी है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 31 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट इसमें 13वां नेशनल सॉरी यूनाइटेड नेशंस माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडिया में किया जा रहा है ये, ठीक है। इंडिया में होगा 17 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक 2020 तक ये किया जा रहा है इंडिया में, और इसको क्या बोल रहा है, CMS COP 13, ठीक है। तो इस CMS COP 13 का क्या मतलब हो गया आपका, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसमें अभी 3 एनिमल को माइग्रेटरी स्पीशीज इंडिया के जो है घोषित किया गया, वो कौन से हैं वो अगले टेस्ट में मिलेगा। नेक्स्ट बताइए, ये जो है एक रिपोर्ट जारी की है NGO जो ग्रीन पीस है, 21 जनवरी 2019 को रिपोर्ट जारी करी गई थी ये, नहीं नहीं ये सॉरी ये 2020 है, ये एक्चुअली गलत लिख गया, ये मिसप्रिंट हो गया। 2020 को रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के जो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी हैं उनमें से 6 शहर एक ही राज्य के हैं, वो राज्य कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये आंसर एक्चुअली ये कौन सा है बताइए, इसका आंसर ही गलत है, सारे गलत हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस भी अपने में गलत की डालता है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलत की बनाई है ये। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी के हैं 6 शहर। भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं, सबसे नंबर वन पर है झारिया सबसे पॉल्यूटेड है, फिर धनबाद है, ये दोनों झारखंड के हो गए, फिर नंबर 3 पे नोएडा आ गया यूपी का, तो यूपी के 6 शहर हैं, एक तो नोएडा नंबर 3 पे, नंबर 4 पे गाजियाबाद भी आपका यूपी का, फिर नंबर 5 पे है अहमदाबाद गुजरात का, इसकी लिस्ट ही देख लीजिए आप। ये देखिए ये है भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर 2020 में जो रिपोर्ट आई, झारिया नंबर 1 पे है और 6 शहर जो हैं यूपी के हैं, एक हो गया नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद और आपका मुरादाबाद और फिरोजाबाद, ठीक। तो ये है इसका 44 में आपको बताना है करेक्ट आंसर, ये जो है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का बी, 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, और इस डे को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971 को। इस बार की थीम क्या है 2020 की, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है जरूर याद रखिएगा। भारत में 37 वेटलैंड है रामसर की जो रिकॉग्नाइज है, उसका मैं एक अलग से छोटा वीडियो दूंगा, उसमें पूरा मैप में डिस्कस करेंगे। 45 में बताना है आपको कि 7 जनवरी 2020 को ये जो है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि करीबन 1659 लोग इंडिया में मरे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से 2019 में, ठीक है। और एक और इसमें फैक्ट बताया गया था कि 1901 के बाद किस वर्ष को सबसे गर्म वर्ष बताया गया है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2019 को बताया गया है सबसे गर्म वर्ष 1901 के बाद, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है क्योंकि 2019 की रिपोर्ट आई है और ज़्यादातर जो है देखें तो हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा के यहाँ लगा सकते थे आंसर, इसका डी है। लेकिन ज़्यादा जो है यहाँ पे हमारे क्वेश्चनों में लॉजिक भी फेल हो जाते हैं क्योंकि मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए टॉप के 3 में। नेक्स्ट इसमें है 46, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें करेक्ट वाला बताना है, चारों में से करेक्ट, ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट वाला बताना है, यहाँ पे इन गलत लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, गलत लिखा हुआ है। 46 का जो है माफ़ करिएगा, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई सॉरी इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए 46 का डी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ गलत है ही नहीं कोई, सारे बिल्कुल सही हैं। एक्ट नाउ, और देखिए चारों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर के लिए। एक्ट नाउ एक यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल कॉल है क्लाइमेट चेंज पे इंडिविजुअल एक्शन लाने के लिए, ठीक है। ये कैंपेन किसका पार्ट है, ये एक यूनाइटेड नेशन का कोऑर्डिनेटेड ये एफर्ट है ये, ताकि क्लाइमेट चेंज के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके,
ठीक है, एक्ट नाउ जरूर याद रखिएगा, ये एक ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन है ताकि जो इंडिविजुअल एक्शन को उनको इनकरेज किया जा सके, ठीक है। और इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है सहारा लिया जा रहा है बिहेवियर चेंज करने के लिए। फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट ये कब चालू हुआ था बताइए? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2018 में चालू हुआ था फ्राइडे फॉर ये फ्यूचर। ये मूवमेंट जो है कहाँ पे चालू हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वीडन में चालू हुआ था 2018 अगस्त में चालू हुआ था। एक एक लड़की थी ग्रेटा थनबर्ग, उस वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, उसी ने जो है ये स्टार्ट किया था। ये दो हैशटैग आए थे, एक तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर था और एक क्लाइमेट स्ट्राइक, ठीक है। वो दुनिया भर में जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था। और एक और चीज़ थी ये क्लाइमेट स्ट्राइक जो है इसका मतलब वही है कि आप जो है फॉसिल फ्यूल ख़त्म होती जा रही, उस पर एक वेकअप कॉल थी ये कि भैया सब ख़त्म कर दोगे तो ये जो नई जनरेशन आने वाली वो क्या करेगी। 48 में आपको बताना है करेक्ट आंसर। क्लाइमेट एक्शन अलायंस किस वर्ष तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पर फोकस करेगा? 48 का करेक्ट आंसर है 2050 तक, ठीक है। अभी COP 25 हुआ था उसमें क्लाइमेट एक्शन अलायंस जो है बनाया गया है, उसमें 73 देश शामिल हुए थे और इस अलायंस का जो है लीड किसने किया था? चिली, चिली कंट्री ने किया था ये, ठीक है। और इस अलायंस को 2019 में क्लाइमेट एक्शन समिट के रूप में लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका मेन एम क्या है कि भैया 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो इसीलिए जो है हर कंट्री को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पे अपना अपना फोकस कर लें सब लोग, तो भैया ये जो है नेट जीरो का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। ये आप अगर देखेंगे तो COP 25 कहाँ पर किया गया था, ये आपका किया गया था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 49 में करेक्ट आंसर बताना है, तीन स्टेटमेंट, तीनों में से करेक्ट आंसर। फोर्टीन का करेक्ट आंसर बी, ये वाला शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। तो ये वही सेम टू सेम है, माउंटेन मैटर्स फॉर यूथ, ये मैंने शायद पहला भी डाल दिया है। खैर 50 इसमें आपको बताना है, अच्छा ये एक दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं, 50 वाला भी रिपीट है, सॉरी। इसको चलिए आगे कंपनसेट कर देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन दे देंगे आगे। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट है इसमें आपको कि बीच को क्लीन करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था, स्वच्छ निर्मल तट अभियान, 11 से लेकर 17 नवंबर तक चलाया गया है ये, और इसमें 50 जो है बीच आइडेंटिफाई किए गए थे। इसको किस मंत्रालय ने चलाया था ये आपको बताना है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया था ये। 52, तीन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तीनों में से करेक्ट बताना है, तीनों में से करेक्ट बताना है। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तीनों स्टेटमेंट सही है। प्लांटेशन एक कॉमर्शियल फार्मिंग होते हैं जहाँ पे सिंगल क्रॉप उगाते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, सुगर केन, कैशू, आपका कैशू नट, या फिर ये जो है काजू जिसको बोलते हैं, रबर, बनाना, कॉटन। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लगता है लेबर और कैपिटल, बिल्कुल सही है ये भी। ज़्यादातर प्लांटेशन कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे रबड़ मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, चाय जो है इंडिया में और श्रीलंका में। NCERT से स्टेटमेंट लिए हुए हैं ये। 53 इसमें यहाँ पे देखिए चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा ये, और इसका करेक्ट आंसर बताना है, यहाँ पे देख लीजिए आप पहले क्योंकि तो दिखना बहुत ज़रूरी है। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ये एक्चुअली एक यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था इसीलिए मैंने ये सारे स्टेटमेंट लिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं फोटिक और एक को बोलते हैं एफोटिक जोन, ठीक है। यानी कि प्रकाशीय को हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाशीय क्षेत्र, और अप्रकाशीय यानी कि अफोटिक जोन। ये फोटिक जोन क्या होता है? ये अपर लेयर होता है, जो इकोसिस्टम है उसकी अपर लेयर को फोटिक जोन बोलते हैं, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट करती है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी होती है, ध्यान रखिएगा। तो जो फोटिक जोन होते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, ये एक चीज़ है। जो ए फोटिक जोन है यानी कि अप्रकाशीय वाला, ये लोअर लेवल है, ये लोअर लेयर है ये, जहाँ पे लाइट जो है पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है ये, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ए फोटिक है वो आपका लिटरल और फोटिक जोन से भी जो है ये काफ़ी नीचे होता है, और रेस्पिरेशन हर जगह होती है तो रेस्पिरेशन हो पाती है सिर्फ ए फोटिक जोन में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन UPSC में भी देने लगा है तो हम लोग को भी देने पड़े हैं। 54 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर बताना है, सॉरी। 50 देखिए अब ये यहाँ पे जैसे मुझसे गलती हो रही है कि मैं करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में आप गलती मत करिएगा,
क्योंकि वहाँ लिखा होता है सही और लिखा होता है गलत, आप सही चूज़ कराते हैं। कई बार ऐसे एक एक नंबर से जो है खेल हो जाता है इधर उधर। 54 का करेक्ट आंसर है डी, कोई भी गलत नहीं है इसलिए तीनों सही हैं। बेसल कन्वेंशन जो है ये आपका अडॉप्ट किया गया था क्योंकि कई सारे यहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट जो है बाहर से ला ला के अफ्रीका में डाले जा रहे थे, ठीक है, अफ्रीका और दूसरे डेवलपिंग कंट्री में, तो इसीलिए एक कन्वेंशन बना दिया गया। वहाँ की पब्लिक चिल्लाने लगी कि भैया ये क्या है, आप अपनी जगह का टॉक्सिक हमारे देश में क्यों फेंक रहे हो, ठीक है, और इसीलिए इसको 1989 में यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया था। कहाँ पे किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनी पोन्टेन टियरीज, बड़ा जो है कठिन नाम है ये, इसके सम्मेलन के द्वारा अपनाया गया था स्विट्जरलैंड में बेसल में, इसीलिए इसको बेसल कन्वेंशन बोलते हैं। इसका सिंपल मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, जो ट्रांस बाउंड्री जो है मूवमेंट होता है इसको हैजार्डस वेस्ट का, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये नहीं, जो विकसित देश क्या करते हैं, यूएस और बाकी जो विकसित देश हैं जो डेवलप्ड हैं उनके यहाँ जो भी मतलब ये सब कूड़ा कचड़ा होता है ये अफ्रीका में डंप कर देते हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज में वो डंप कर देते हैं, उसी के लिए बनाया गया था ये, ठीक है, कि अपना कचरा अपने यहाँ रखो दूसरे क्या मत दो। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, किस कहाँ पे ये रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, अफ्रीका से रिलेटेड है ये, ठीक है, और ये किस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए है, ये डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए है। 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, ठीक है, और ये अफ्रीका का मतलब इनिशिएटिव है। मेनली क्या है कि जो अफ्रीका का जितना भी डिग्रेड हो चुका है जो लैंडस्केप, उसको जो है आप फिर से जो है उसको ट्रांसफॉर्म करिए, रिजुनुवेट करिए, और जो साहेल वाला रीजन है वहाँ पे बेसिकली फोकस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ऐसी वॉल टाइप की बनाई जा रही है जिसमें क्या होगा कि जितनी पूरी दुनिया के जो लिविंग स्ट्रक्चर है उसकी लार्जेस्ट होगा ये प्लानेट पे। 8,000 किलोमीटर की ये नेचुरल ये वॉल बनाई जा रही है, और अगर ये जो है बन गई 2030 तक बनाने की यहाँ पे जो है उम्मीद है इसकी, और तो ये क्या करेगा, ये इनिशिएटिव रिस्टोर करेगा 100 मिलियन हेक्टेयर जो वहाँ पे डिग्रेड हो चुका है लैंड उसको, ठीक है, तो उसके लिए ये बनाया जा रहा है। ग्रेट ग्रीन ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है, ज़रूर एक बार ध्यान रख लीजिएगा। 56 में आपको करेक्ट बताना है, तीनों में से करेक्ट चूज़ करना है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तीनों ही बिल्कुल सही है। राजा जी है उत्तराखंड में, सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में, और अमराबाद है आपका तेलंगाना में। 57 में अब देखिए इसमें जो है ये वाली एरर हो ही गई, वेस्ट बंगाल नहीं पश्चिम बंगाल होना चाहिए, जबकि जो है इतनी यहाँ पे सतर्कता बरती जाती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप जो है मैं टेस्ट सीरीज़ बनाता हूँ फिर मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ खुद जो है क्रॉस चेक करवाता हूँ कि कोई अगर मेरे से गलती बच गई हो तब भी उसको पकड़ लिया जाए, फिर भी देखिएगा गलती बच गई है, लेकिन फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये। 57 में बताना है आपको गलत, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, कौनों गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है ये कांगेर वैली नेशनल पार्क, मोलेम नेशनल पार्क है गोवा में, वंसदा है गुजरात में। 58 इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में से करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वीडन की जो 16 साल की है ग्रेटा थनबर्ग, इसको मिला है 19 मतलब नॉमिनेट किया गया था इसको 2019 का नोबेल प्राइज पीस प्राइज़, हालांकि मिला नहीं था, 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ इसको मिला, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड का पहला ऐसा लेजिस्लेचर बन गया है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी रिजोल्यूशन जो है पास कर दिया है, इसका नाम क्या है, नेशनल इमरजेंसी एंड क्लाइमेट इमरजेंसी रिजोल्यूशन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ये 59 में आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 11वीं आर्कटिक काउंसिल की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी कहाँ पे हुई है, ये फिनलैंड में हुई है, नाम जगह का क्या है, रोवा नेमी, ठीक है, रोवा नियोमी में हुई है ये, और इसमें इंडिया को फिर से रीएलेक्ट कर लिया गया है ऑब्जर्वर का स्टेटस में, ठीक है, ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल कब इस्टेब्लिश की गई थी, आर्कटिक जो है आर्कटिक आपका ओशन है उसी को बचाने के लिए, उसी के अगल बगल कंट्री जो है उन्होंने बना लिया है, वही कह रहे हैं कि हम ही मेजर स्टेक होल्डर हैं, जबकि आजकल की दुनिया में तो दुनिया भर में कोई चेंज होता है तो पूरी दुनिया इफेक्ट होती है, तो सब मेजर स्टेक होल्डर हुए। तो ये 1996 में बनाया गया था ओटावा डिक्लेरेशन के बाद, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, नॉर्वे में है ट्रोम्सो में, इसके मेंबर कौन कौन है, 8 हैं, रशिया स्वीडन फिनलैंड आइसलैंड नॉर्वे डेनमार्क कनाडा और यूएस। अब देखिए हमारा अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं टेस्ट सीरीज में, इसीलिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है हमारी, क्योंकि मैंने इसमें तीन स्टेटमेंट में पूरी इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो दे दी है यहाँ पे, और वो क्वेश्चन भी हो गया, तो आप हमारे क्वेश्चन को जो सही स्टेटमेंट हुआ करो उनको पढ़ भी लिया करिए, आगे के लिए नोट्स भी बनाए जा सकते हैं इससे,
ये जो है एक आपका ओग्जोकुल ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था ये। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि ये जो है ये पिघल गया पूरा और इसके लिए यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया था ये आइसलैंड में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे ग्लेशियर जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। इस ग्लेशियर को 2014 में यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया था और उसका अंतिम संस्कार किया गया बाकायदा, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ये। नेक्स्ट है इसमें 61 में आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में से करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ब्राज़ील की नेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर के हिसाब से करीबन जो है ब्राज़ील में जैसे जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कितने फायर इंसिडेंट हुए थे, 74,000 से ज़्यादा हुए थे और करीबन 84% जो फायर इंसिडेंट्स है वो बढ़े हैं 2018 के कंपेरिजन में। फिर जो अमेजॉन है लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और ये 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, 9 कंट्री में फैला हुआ है। अब देखिए यही पूछ सकते हैं आपसे कि जो अमेजॉन आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये किस किस कंट्री में फैला हुआ है, तो कहाँ कहाँ है ये? ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गिनी और गुएना, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुएला, सब में फैला हुआ है, 9 कंट्री में फैला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 62 का है करेक्ट, तीन स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट बताना है। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल ओजोन कंजर्वेशन डे मनाते हैं 16 सितंबर को, थीम थी इस बार की कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये अभी तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से जो है ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा था वो रुका है। अच्छा एक बात बताइए, ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है? क्या पूरी दुनिया में जो ओजोन होल है वो सब जगह सेम है? सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ये बताना है, ये कमेंट करके बताना है आपको। जब आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके कमेंट करेंगे तब। इस डे को जो है अनाउंस किया था UNGA ने 19 दिसंबर को और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी 1987 में। ठीक है, ये है, ये मतलब जो ये डे मनाते हैं ओजोन कंजर्वेशन डे, ये 1994 से मना रहे हैं। 63 में 2019 का यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट कहाँ पे हुआ था? आंसर है बी, न्यूयॉर्क में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, सॉरी चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से सही चुनना है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अच्छा ये एक में आ ही नहीं रहा, देखिए आप पढ़ लीजिए, आ रहा है समझ में? इसका आंसर बताना है 64 का। इसका करेक्ट आंसर है सी, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब ये आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मेनली बात वो है जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, ये जो चार फ्रेश वाटर जो डॉल्फिन स्पीसीज पाई जाती हैं उनमें से ये एक है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों में पाई जाती है, प्लस उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो इंडिया में भी पाई जाती है, बांग्लादेश नेपाल में भी पाई जाती है। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो सिर्फ आपकी इंडस रिवर पाकिस्तान पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है गैंगेटिक जो जो गंगा रिवर डॉल्फिन है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, वो है गैंगेटिक जो है रिवर डॉल्फिन। ये ऑफिशियल एनिमल भी बनाया गया है ये गुवाहाटी का, तो ये भी पूछ सकते हैं आपका गुवाहाटी का ऑफिशियल एनिमल कौन, किसको बनाया गया है? डॉल्फिन को। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है इसको नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने इस स्टेटमेंट में यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, और ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, ये जो है ऑलमोस्ट ब्लाइंड होती है और इसका जो आपका शिकार होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से ढूंढती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड का जो है यूज़ बाकी एक्टिविटीज़ के लिए भी करती हैं, मतलब रूट ढूंढने के लिए कोई खतरा है उसको जो है उससे सतर्क रहने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 65 दो स्टेटमेंट हैं, दोनों में से आपको बताने हैं करेक्ट आंसर और इसका आंसर हो जाएगा ए, ये ध्यान रखिएगा 65 का ए है, ये मैंने आंसर की में सी हमारे लिख दिया गया था, ये गलत है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट को जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में और कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं ये। ठीक है, जो ट्रॉपिकल टिम्बर से डील करते हैं ये। ठीक है, तो ये है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक अडरलेस कलरलेस गैस है जो गाड़ियों में जो फ्यूल जलता है तो उसके फ्यूम्स में ही पाई जाती है मोस्ट कॉमन। अगर ये जो है CO को
इनहेल कर लिया जाए तो क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, वीकनेस, ये सब। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका 65 का जो है इसका आंसर ए होना चाहिए। पेड ग्रुप वाले यहाँ पे जरूर नोट कर लें, इसका सी नहीं है। नेक्स्ट है इसमें 66 का, इसीलिए जो है वीडियो बनाना जरूरी होता है, कई बार एक आध चीज़ें जो है वो वीडियो बनाते टाइम ही पकड़ी जा सकती हैं। 66 का करेक्ट आंसर है, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं तीनों का स्टेटमेंट का, और इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इसमें देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपके भले ही ज़्यादा गलत हो जाएं, लेकिन जो स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ वो जरूर आप आगे के लिए सीख लीजिएगा, आगे ना गलत हो जाएं। 66 का सी है। जल जीवन मिशन का गोल क्या है, मेनली जो जितने भी इंडिया में हाउस होल्ड हैं उन सबको जो है फ्रेश वाटर पहुंचाना, कितना, करीबन 25 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक, और इसका जो है ओरिजिनली क्या प्रोविज़न था कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएंगे 2030 तक, पहले टारगेट रखा गया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से, लेकिन भारत सरकार ने इसको और ज़्यादा प्रीपोन कर दिया है और ये 2024 तक कर देंगे ये कह रहे हैं। इस समय अगर आप देखेंगे तो अगर ग्रामीण एरिया में देखा जाए तो सिर्फ 18% लोगों के पास जो है पाइप्ड वाटर कनेक्शन है, इसको पूरा 100% करना है 2024 तक। मतलब यूएन का गोल था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से 2030, हमने उसको प्रीपोन कर लिया 6 साल पहले, 2024 कर लिया। फंड शेयरिंग पैटर्न जो है हिमालयन स्टेट के बीच में है, 90-10, मतलब 90 सेंटर देगा, 10% स्टेट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए पूरा का पूरा सेंटर देगा, बाकी स्टेट के लिए जो है 50 सेंटर देगा, 50 अदर स्टेट देंगे। शैलेश नायक कमेटी किससे रिलेटेड है, 67, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ये जो है वेस्टर्न घाट। नोडल मिनिस्ट्री ईपीए जो है आपका 1986, जो कि अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। 69, इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से आपको करेक्ट वाला आंसर बताना है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चारों स्टेटमेंट सही है। मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स और इंडस्ट्री है प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है केमिकल का उसको डील करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है केमिकल का होता है उसको डील करते हैं। दूसरा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो फैमिली प्लानिंग है प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये किससे रिलेटेड है, जो कस्टमर से जो इंटरेस्ट से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उनको हैंडल करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे प्लस मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये जो ट्रांसपोर्टेशन लॉ है उनको जो है इंप्लीमेंट करवाते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, जो सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ से, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है रिलेटेड है यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव से। ये जो है चार स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया कौन सी मिनिस्ट्री यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव से एसोसिएटेड, तो कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री जो है कंसर्न्ड है सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ से, तो ये किससे है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इससे कई सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 70M हरियाली जो मोबाइल एप्लीकेशन थी, ये कुल मिला के क्या था, पब्लिक को इंगेज कर रहे थे ज़्यादा ज़्यादा जो है ट्री प्लांट करने में, ग्रीन ड्राइव चलाने में, ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की थी ये बताना है। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। 71, इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों आपको इस स्टेटमेंट में बताना है करेक्ट। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, दुनिया में सबसे जो भयानक त्रासदी हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, उसमें जो है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड यूज़ होता था, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने 35 साल बाद भी अभी तक इसको जो है बंद नहीं किया है, ये अभी न्यूज़ में आया था, तो ये एनवायरनमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसमें आया था ये, और इसीलिए ये आपसे क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये यूनियन गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट में कार्बनिल सेविन इसको बैन कर दिया गया है, जो कि इंसेक्टिसाइड यूज़ होता था यूनियन कार्बाइड प्लांट में। ठीक है, इसको बैन कर दिया गया, लेकिन मिथाइल आइसोसिनेट अभी भी जो है इंडिया में बैन नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। कार्बारिल सेविन ये बैन हो गया है। ठीक है, मिथाइल आइसोसिनेट को इस अभी भी जो है लीगली यूज़ कर रहे हैं इंडिया में पॉलीयूरीथेन बनाने में, जो कि एक प्लास्टिक का फॉर्म है। माइक साइट जो है इंडिया में किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके हाथी से। ठीक है, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ जो है एलिफेंट। ठीक, नेक्स्ट है इसमें टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी, कोई भी नहीं है ऊपर में, तो ये जो है सारे जो है तुक्के फेल हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन करने में, इसका आंसर हो जाएगा डी, नागपुर। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है,
चार स्टेटमेंट आपको बताना है, करेक्ट आंसर डी है ये। फाइनेंशियल मैकेनिज्म है UNFCCC के अंडर में, जो डेवलप्ड कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को जो है अलाउ करने के लिए ये बनाई गई थी। पूरी ये है इन्फॉर्मेशन, पापा वीडियो में हमने सब बताया हुआ है। इन्वायरमेंट का शंकर है इसका पापा, देख लीजिए सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने के टर्म में, इंक्रीजिंग टर्म में जो है आपको इन गैसों को लगाना है। मतलब सबसे कम कौन सी गैस करती है ग्लोबल वार्मिंग में, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4, 3, 2, 1। समझ रहे हैं आप, इसका जो है अगर आप देखेंगे तो जितना जो है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है CO2, समझ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जो है ये अगर आप देखें इसमें, नहीं मतलब यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन वाला है, सॉरी ये है फिगर, इसमें देख लीजिए, देखिए ये है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन CO2 का है, उसके बाद मिथेन का है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, उसके बाद N2O का है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुल बूंदीज और भंडारा खादिन ये किससे रिलेटेड है। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, वाटर हार्वेस्टिंग से। नेक्स्ट इसमें है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज देनी होती है सिटीजन को, किसकी होती है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ए है इसका आंसर। पोषण स्कीम किसकी है, 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो है चार यहाँ पे वेटलैंड में ग्रुप दिए हुए हैं, आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है। ठीक है, 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2, 3, 4। आप इससे जो है कर सकते हैं साउथ, मतलब सबसे नीचे है अस्तमुडी वेटलैंड, फिर जो है आपका भीतरकनिका, फिर भोज वेटलैंड और फिर चंद्रताल। ये कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में बताइए जल्दी से कमेंट करके। नेक्स्ट है इसमें अभी 10 रामसर साइट ऐड की गई हैं, अभी मतलब अभी मैंने बताया था 26 थी, फिर 27वीं सुंदरबन को बना दी, फिर 10 और ऐड कर दी। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 10 नई रामसर साइट करी गई है, ये कहाँ कहाँ से है, मतलब किस किस स्टेट में पाई जाती हैं। तो ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी। एक महाराष्ट्र की है, तीन ये पंजाब की हैं, 6 उत्तर प्रदेश की हैं, 10 साइट यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं। नेक्स्ट है इसमें कौन सा स्टेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट हो गई हैं, अब हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 80 का करेक्ट आंसर, 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश में अब सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड साइट हो गई हैं। टोटल कितनी हो गई उत्तर प्रदेश में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है इसमें कि इनमें से कौन से जो मेथड है, इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा है, मतलब जहाँ पे भी फ्लोरा और फौना है उसको वहीं पे जो है कंजर्व करने की विधि, उसी को बोलते हैं इन सीटू। एक्स सीटू मतलब बाहर ले जाके करना, सिंपल भाषा में ये होता है। 82 का मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 4। ठीक है, 1 यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन तो अलग से बनाया जाता है। 83 में करेक्ट आंसर बताना है आपको, तीन स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से गलत वाला, इसका करेक्ट इन जो है इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनीशन है ये, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये जो है इनमें से किसको किसको कंसिडर करते हैं आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होता है, जो जैव विविधता हॉट स्पॉट उसको निर्धारित करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं ये बताना है आपको। 84 मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप सही कर ले जाएँ अपने आप तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, मतलब बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छे लेवल की है। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 5। ठीक है, ये जो है 1, 3, 5, बाकी मैंने इसमें वो डिटेल में बताया हुआ है। बाकी आप जो है मैंने बताया आपको, इन्वायरमेंट शंकर है इसका पापा वीडियो देख लेगा, सब ये करे गए हैं। कितने हैं अभी तक टोटल बायोडाइवर्सिटी 17 फरवरी 2020 तक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ए, सॉरी 85 का क्या हो जाएगा आपका सी, 36 है इस समय ये। फिर नेक्स्ट है इसमें 87, यहाँ पे ये देखिए ये 2 होना चाहिए, करेक्ट आंसर बताना है इसका कि दो वेटलैंड अभी तक मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड में है क्या, एक केवला देव है राजस्थान में, एक लोकटक है, और एक चिल्का लेक था उसको हटा दिया गया। इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। रेड डेटा बुक ये किससे एसोसिएटेड होती है ये बताना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ चुका है पहले कई बार। 87 का करेक्ट आंसर है ए, IUCN। 9 तरीके की जो कैटेगरी होती है, इंडिया इंजर्ड और वो सब, वो हर बार पब्लिश करते रहते हैं वो। नेक्स्ट इसमें 88 में बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जहाँ पे लोकल जो लोग होते हैं उनको अलाउ होता है कि वो
बायोमास को जो है कलेक्ट भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 134। बायोस्फीयर में भी अलाउड है, वेटलैंड में भी अलाउड है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी अलाउड है, नेशनल पार्क में नॉट अलाउड है। जो कोर ओरिया होता है उसमें तो कतई नहीं अलाउड है। नेक्स्ट है इसमें फोटोकेमिकल स्मॉग किसके किसके बीच में रिएक्शन कर रही है, प्रोजेक्ट है ये, प्रोडक्ट है ये। 89 का हो जाएगा बी, 124, N2O और ओजोन और आपका पेरोक्सीटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट इसमें कौन कौन सी बॉडी स्टेटूटरी है। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 है, मतलब लॉ के तहत कंस्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, एक तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी किया गया है। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये जरूर बताइएगा आपको। और ये किस ईयर में बनाया गया था, NTCA, ये भी जो है किस ईयर में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये नहीं है स्टेटूटरी। ठीक है, 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 91 में फिर आपको जो है तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से करेक्ट चुनना है। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बायोडीजल जो है वेजिटेबल ऑयल और फैट से जो है बनाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांस ईस्टरीफिकेशन। ठीक, बायोगैस एक नेचुरल जो है प्रोडक्ट है, और ये ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर एनरोबिक डाइजेशन से बनाया जाता है ये। अच्छा, बायोगैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बायोएथेनॉल एक अल्कोहल होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज जो मटेरियल होता है उसकी फर्मेंटेशन से बनाते हैं। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट इसमें 92 में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के बारे में बताया गया है। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, इसलिए कोई गलत नहीं है, यहाँ इनकरेक्ट बताना था। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो बायो फ्यूल थे वो कौन से थे, वो फूड क्रॉप से बनाए गए थे, बायोफ्यूल जैसे वीट और शुगर, एथेनॉल बनाने के लिए। सेकंड जनरेशन क्या हो गया, उसमें नॉन फूड यूज़ किए गए। ठीक है, और जैसे वुड, ग्रास और ऑर्गेनिक वेस्ट। थर्ड जनरेशन में क्या कर रहे हैं, एल्गी को यूज़ कर रहे हैं बायोफ्यूल कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जरूर याद रखिएगा, जनरेशन वाइज जो है बायोफ्यूल चल रहा है ये। पहले क्या किया गया, फूड क्रॉप, फिर नॉन फूड क्रॉप, फिर एल्गी। ठीक है, इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आगे के लिए जरूर दे रही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। बार बार क्लाइमेट चेंज की क्योंकि बात आती रहती है, न्यूज़ चलती रहती है। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तीनों ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। इंडिया जो है अपनी इमिशन इंटेंसिटी कम करेगा 2005 के लेवल से 2030, मतलब 2005 को रिफरेंस लेके 30, 35 से 35% कम कर देगा 2030 तक। 40% जो है इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे करनी है हमको अचीव, नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक। प्लस कार्बन सिंक हमको बढ़ाना है, एडिशनल कैपेसिटी कितनी करनी है, 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन जो है CO2 की करनी है, ये भी 2030 तक करना है। ये तीन है हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। 94 किस डिकेड को डिक्लेयर किया गया है, यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डिजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2010 से 20 को किया गया है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, ये थोड़ा सा लगेगा आपको आसान, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये आपका जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तीनों स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। प्रोमिनेंट कोरल इंडिया में कौन कौन सी हैं, ये आपकी 6 की 6 हैं, ए है इसका आंसर। ठीक है, लक्षद्वीप में है कोरल, और अंडमान में है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, एक कर्नाटक में नेत्रानी आइलैंड है, और महाराष्ट्र में मलवान आइलैंड है। नेक्स्ट इसमें शोला फॉरेस्ट, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 234, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नेक्स्ट है इसमें 98, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी एक 2002 में यहाँ पे इनेक्ट किया था, रूल 2004 में बताए थे इसके। ठीक है, तीनों लेवल पे ये जो है आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नेशनल, स्टेट और लोकल। फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये 2003 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है। गृह स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर है इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड है, ये सी ए इसका आंसर। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ से साउथ इसमें अरेंज करना है आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वैली ऑफ नेशनल पार्क जो है सबसे ऊपर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर वैली है, और फिर जो है सुंदरबन है, तीनों किस स्टेट में, जल्दी से बताइए। 100 क्वेश्चन में से आपने देखा होगा, ये देखिए आंसर की है, पूरा हमने दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में देते हैं जो भी की है। आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल्ड आंसर की है, पेड ग्रुप को ये दे दी गई है PDF। यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं UPPCS की, तो इसमें 2 पैकेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये दोनों नंबर पर कॉल करके, 9696066089।
8564880530। इसमें एक पैकेज है 5000 का, उसमें टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर है, उसमें करंट अफेयर भी मिलेगा, 31 टेस्ट मिलेंगे विद आंसर, और प्लस 3500 क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड बुक से मिलेंगे, जैसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के टॉप 495 क्वेश्चन, प्लस जो है आपके एस के पांडे एंशियंट के, मिडिवल के, स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन मिलेंगे, 1400 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे, प्लस और भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी इकोनॉमी के 200 बनवा रहा हूँ वो दूंगा, कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, ठीक। और उसके अलावा जो उसमें करंट अफेयर भी पूरा कवर किया जाएगा। दूसरा है 4000 का पैकेज, उसमें जो है सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज रहेगी, प्लस हमारा एक 5 मार्च 2020 से फुल पेड ग्रुप चालू होने जा रहा है क्रैश कोर्स, आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारे पैकेज इंक्लूड रहेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अपना कमेंट जरूर बताइएगा कितने आपके आए सही। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करें तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री चैनल है ये, यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है लेकिन यहाँ सारे नोटिफिकेशन मैं देता हूँ।